हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू फ्रॉम माय व्यू। मैं हूं नीलू। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं पाव भाजी की रेसिपी। पाव भाजी हम घर पर बनाते हैं, लेकिन मार्केट जैसी, वो स्ट्रीट फूड जैसी पाव भाजी हमारे घर पर नहीं बनती है। तो मैं आज वही ट्रिक्स लेकर आई हूं आपके लिए कि स्ट्रीट फूड जैसी, मार्केट जैसी पाव भाजी आप घर पर कैसे बनाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके लिए हम सबसे पहले भाजी की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए मैंने ले ली है 5 मीडियम साइज़ के आलू और थोड़े से मटर लेने हैं। तो मैंने 1 कप मटर ले लिए हैं। इनको बॉईल करना है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसकी लीड बंद करके इनको बॉईल होने के लिए रख देते हैं। ये बॉईल हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं। इनको मैशर की हेल्प से मैश कर लेते हैं। अच्छे से फाइनली मैश करना है इनको। भाजी बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। इसमें डालना है थोड़ा सा बटर, ये गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं 1/2 छोटी चम्मच राई, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, अब इसमें 2 चॉप्ड हरी मिर्च डाल दी। अब इसमें डालना है चॉप्ड अनियन, बारीक कटा हुआ प्याज, इसको अच्छे से सौते कर लेना है। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है प्याज को। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाना है। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च लाल होती है, तीखा कम होती है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी डालकर इस मसाले को पकाना है ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाए। देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है, तो इसमें आलू और मटर का जो मिक्सचर है वो इसमें डाल देना है। अब इनको सबको मिला लेते हैं अच्छी तरीके से। इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी भाजी रेडी तो हो चुकी है, पर अभी रेडी नहीं है सब के लिए। अब इसको एक बार और तड़का लगाएंगे। तो एक पैन में मैंने थोड़ा सा बटर ले लिया है। इस बटर में डालना है थोड़ा सा जीरा और इसमें पाव भाजी मसाले के साथ मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्ट्रीट फूड जैसी या मार्केट जैसी पाव भाजी खानी है तो आप इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये हमारी पाव भाजी रेडी है सर्व करने के लिए। गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। भाजी हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम पाव को रोस्ट कर लेते हैं। तो पाव को रोस्ट करने के लिए मैंने भाजी का ही पैन लिया है, क्योंकि एक चीज़ क्या है कि ये जो रोड पर बनती है ना स्ट्रीट्स में, तो वो लोग वही पैन को या तवे को यूज़ करते हैं जिसमें पहले से ही उन्होंने भाजी बना रखी है, ताकि उसका जो भाजी का फ्लेवर है वो पूरा ही पाव में आ जाए। तो इसीलिए मैंने भाजी के ही पैन में थोड़ा सा बटर ले लिया है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला भी इसमें ऐड कर दिया है।
अब इसमें पाव को रोस्ट कर लेते हैं ताकि सारा भाजी का जो भी फ्लेवर है वो पूरा का पूरा हमारे पाव में आ जाए, और इससे पाव बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो ये हमारी मार्केट जैसी, स्ट्रीट जैसी पाव भाजी रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें।